दैत्य भयंकर शिव जी को देख करके ऐसे भागने लगे जैसे कि कार्तिक का व्रत देख करने वाले को देख करके पाप भाग जाते हैं। अगर कोई कार्तिक का व्रत करने वाला हो उसको देख करके पाप भागने लगते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान शंकर को देख करके वो राक्षस इधर उधर भागने लगे। इसके बाद जालंधर अपने दैत्यों को भागते देख करके क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शिव की तरफ दौड़ा और शुंभ निशुंभ अश्वमुख कालनेमी बलाहक खड़रोमा प्रचंड और घस्मर आदि जो बड़े बड़े दैत्य थे वो सब वे मिलकर के शिव जी के ऊपर जप्त पड़े और भगवान शिव ने अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देख करके दैत्यों के बाण जाल को काट करके अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिया। तो उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। खड़गरोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसे के द्वारा भगवान ने काट डाला। जो बलाहक नाम का राक्षस था उसके सिर के खटवांग से दो टुकड़े कर दिए और वो जो भस्मर नामक दैत्य था जो पहले दूत बन करके आया था उसको पास से बांध करके पृथ्वी पर पटक दिया और कितने ही बैल के सींगों से मारे गए। बहुत से दैत्यों को भगवान शंकर जी के गण नंदी ने मार दिया। बताया कि सिंह से पीड़ित हाथियों के समान दैत्य जो है संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए, ठहर नहीं पा रहे थे। तदंतर जो है क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जालंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को ललकारा। कैसे ललकारा? युद्धस्वाद्य मया सार्धम किमेभिरनिहतैस्तव यच्च किंचित् बलम् तेस्ति तद्दर्शय जटाधरा। जालंधर कहता है कि अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनको मारने से क्या प्रयोजन है हे जटाधारी? यदि आप में कुछ बल है तो बल है मेरे को दिखाओ, अपनी शक्ति मेरे को दिखाओ। मेरे गणों को क्या दिखा रहे, मेरे सेवकों को क्या दिखा रहे हो आप? नारद कहते हैं कि ऐसा कह करके उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों द्वारा हंसते हंसते ही काट डाला। तदंतर घोड़े को ध्वजा को और छत्र को शिव जी ने अपने सात बाणों से काट दिया। अब कटे हुए धनुष और रथ रहित वो जालंधर वेग से गदा उठा करके भगवान शिव की तरफ दौड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा के अपने बाणों से दो खंड कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, गदा काट दी जालंधर की भगवान शिव ने। लेकिन इस पर भी वो डरा नहीं बल्कि घूसा उठा करके मारने की इच्छा से भगवान शिव की तरफ चला। लेकिन भगवान शंकर ने तत्काल ही अपने बाणों के समूह से उसको एक कोस दूर हटा दिया। ऐसा मारा बाण कि जाकर के एक कोस दूर गया। और ततो जालंधरो दैत्यो मत्वा रुद्रम बलाधिकम। तब जालंधर ने जान लिया ये शिव जी बहुत बलवान है और उनको अपने से ज्यादा बलवान समझ करके
अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझ करके सहसर्ज मायाम गांधर्वीं अद्भुताम रुद्र मोहिनीं। जब देखा कि अब बल से काम नहीं चलेगा तो अपनी गांधर्वी माया की सृष्टि कर दी जालंधर ने। बड़ा मायावी था। अब गांधर्वी माया का क्या प्रभाव हुआ? गंधर्व गान करने लगे वहां, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल वेणु मृदंग आदि बजने लगे, अच्छे अच्छे साज बजने लगे, नाच गान होने लगा। बड़ा आश्चर्य। भगवान रुद्र ने देखा, सुंदर सुंदर नादें बज रही थी और भगवान शंकर जो है मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, लड़ना भूल गए, मस्त हो गए और उन्हें कुछ अब मालूम नहीं है। जलंधर ने रुद्र को देखा, क्या ये तो नृत्य गान में मस्त है, एकाग्र मन हो गए हैं। और तब काम से पीड़ित होकर के जहां पर गोरी स्थित थी, वो जो जलंधर है काम से पीड़ित होकर के उसी के लिए तो सारा युद्ध कर रहा है, पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए। और इस कारण से जहां पर गोरी स्थित थी, पार्वती जी थी, वहां पहुंचा और महाबली सुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़ करके और स्वयं जो है उस जलंधर ने भगवान शंकर जी जैसा रूप बना लिया। 10 भुजाएं, 5 मुख, 3 नेत्र, ऐसा रूप बना। तो महाविघव मारूढ़ सैभ भूव जलंधर अथ रुद्रम समायांतं मालोक्य भववल्लभा। जालंधर जो है एक बड़े बैल पर चढ़ा और पार्वती जी ने देखा कि शिव जी आ रहे हैं। सोचा जो शंकर जी जैसा रूप था, दूर से देखा तो शिव जी ही लगते थे, बड़ा मायावी था। पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, तो अपनी सखियों के मध्य से उठ करके उनके दर्शन के लिए रास्ते में आकर के खड़ी हो गई। तो दैत्यों के राजा उस जलंधर ने जब सुंदर अंगों वाली पार्वती जी को देखा तो उसका तेज स्खलित हो गया देखते, और पाप के प्रभाव से जो पार्वती जी को बुरी नजर से देखने का, बुरी दृष्टि से देखने का उसने पाप किया, उसके कारण तुरंत उसके जो अंग थे शरीर के सारे जड़ हो गए और केवल इसी से, इस दृश्य को देख करके ही पार्वती जी जो है समझ गई कि ये तो दानव है। और तब भय से व्याकुल होकर के अंतरहित हो शीघ्र उत्तर दिया और स्वयं जो है मान सरोवर की ओर चली। इसके बाद वो दैत्य जो है क्षण भर में बिजली के समान दीप्ति मती पार्वती जी को वहां ना पा करके, जब उसने देखा कि पार्वती जी तो यहां है नहीं, वैसे भी घबरा गया था, तो तुरंत वहां से भागा और युद्ध भूमि में पहुंच गया जहां भगवान शंकर विद्यमान थे, वहां पहुंच गया। अब पार्वती जी ने पार्वत्यपि भयाद विष्णु सहस्मार मनसा तदा तावत् ददर्श तम देवं सूपविष्टं समीपम्। सूपविष्टं समीपगम, मतलब जैसे ही याद किया वैसे ही विष्णु भगवान पास ही बैठे हुए देखे। पार्वती जी ने उस समय भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण किया और तभी उन देवदेव को, भगवान विष्णु को अपने समीप ही बैठे पाया। पार्वती जी कहती है, हे विष्णु,
जलंधरो नेत्य कृतवान परमाद्भुतम तत्किम न विदितम तेस्ति चेष्टितम तस्य दुर्मते है। विष्णु जी, ये जलंधर दैत्य ने जो जो अद्भुत कर्म किया है, ये पाप कर्म किया है, भगवान शंकर का रूप बनाकर आ गया था, सो क्या आपने इस दुष्ट कार्य को नहीं देखा? क्या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं क्या उसने किया? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि उसने छल करके रूप बदला है, और ये रूप क्या बदला है, उसने हमें मार्ग दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। पहले उसने छल किया है, अब छल करने वाला रास्ता हमें भी दिखा दिया। हम उसी मार्ग पर चलेंगे, जैसा छल उसने किया है वैसा ही हम उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे। वैसे जो जलंधर की स्त्री थी, पतिव्रता थी वृंदा, और पतिव्रत के धर्म से रक्षित होने के कारण वो मरने योग्य नहीं था। वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है वो जलंधर की रक्षा कर रहा था। भगवान विष्णु कहते हैं कि उसने हमें ये रास्ता दिखाया है, अच्छा हुआ। सचे साख्यम समाचरे नीति, नाथ कहते हैं विष्णु भगवान ऐसा कह करके इन जलंधर के नगर में गए और रुद्र गंधर्व समेत जो है संग्राम में स्थित रहे, और तब माया को अंतर ध्यान हुई, देख करके शिव जी को अज्ञान हुआ, जो हो ये क्या माया थी, गंधर्वी माया कहां गई माने। तो जैसे ही भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि ये माया थी, उसी समय भगवान शिव ने मन ही मन विस्मित होकर के क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई की, और उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। अब जालंधर ने इतने बाण चलाए कि शंकर जी ढक गए बाणों से। देखो क्या दृश्य है, इतना शक्तिशाली जलंधर दिखाए। अब आगे शंकर जी क्या करते हैं, ये कल की कथा का विषय है, 16वें अध्याय का विषय है। तो यहीं पर 15वां अध्याय जो है विश्राम को प्राप्त होता है। और ये शंकर भगवान की कार्तिक मास की बोलिए, सभी देवी देवताओं की, सभी सिद्धों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, और ये सभी विप्रों की, सभी श्रोताओं की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज धर्म की, अधर्म का विनाश, प्राणियों में विश्व का जयकाराई।